अभी हमें थोड़ा सा रिलीफ आया था कि फाइनली ट्रक्स मूव हो रहे हैं, तो जल्दी हमारी बारी आ जाएगी। लेकिन वो जो स्कैन जो एक्सरे करते हैं वो दोनों चले गए, उनकी शिफ्ट चेंज होने वाली है। तो मुझे लगता है नाउ इट्स गोना टेक क्वाइट सम टाइम, तो अभी बैठना पड़ेगा। इट्स ओके, हम दिल्ली क्राइम देख रहे हैं अभी नेटफ्लिक्स पे, तो आप भी देखो, वो अच्छा है। वो देखो, अभी हम आगे से ऐसे करेंगे, वीडियो में इसी वीडियो जैसे वीडियो बनाते हैं उसी में ही हम आपको ऐसे सुजेस्ट किया करेंगे कि आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कीड़ा था मेरे में वो बनने का, क्रिटिक बनने का, क्योंकि मैं बहुत मूवीज एंड वेब सीरीज देखता हूँ। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ नया चैनल स्टार्ट करूँ या ना करूँ, तो देखते हैं। ऐसे मैं बताया करूँगा, आप लोग बताया करना फिर कि आपको वो अच्छा लगा या नहीं, फिर करते हैं स्टार्ट, क्रिटिक भी बनते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ब्रेक्स हमने खींच ली है, लगा दी है एयर ब्रेक बड़ी वाली, तो अभी हम आराम से रिलैक्स होके बैठ गए हैं यहाँ। तो वो खड़ा है ट्रक, ऐसा होता है ट्रक, इसके नीचे से हमने अपना ट्रक ट्रेलर निकालना है, और अंदर बैठा उस ट्रक में ऑफिसर देखेगा कि क्या क्या दिख रहा है ट्रक में। अगर कुछ इलीगल दिख रहा है तो फिर वो डॉग पे बैक लगवाते हैं और ट्रेलर खोलकर सारा चेक करते हैं। तो अभी हमारा हमारी स्टैंप लग गई है, और अभी हम जाएंगे वहां से, जो स्टॉप साइन है वहां पे हम जाके रुकेंगे, फिर वो बैरियर खोलेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और दिन चढ़ रहा है ऑलमोस्ट, और लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं दूसरी साइड भी, है ना पाल जी? चले छोड़ो, ऑलमोस्ट 2 घंटे खराब करवा दिए इन्होंने। एक्सरे में ज्यादा टाइम खराब हुआ। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, तो पहले तो उन्होंने एक्सरे किया, वहां पे काफी टाइम खराब किया। ये तो था बाद एक्सरे। में हमें I-94 भी लगवाना था। तो I-94 क्या होता है, जो कहते नहीं कि 6 महीने की एंट्री मिलती है, तो उसे I-94 कहते हैं। तो वो हमने लगवाना था, हमारा ये 6 मंथ की जो एंट्री थी वो खत्म हो रही थी अगले महीने, तो वो भी हमने लगवा लिया। तो पहले तो जो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बीच में स्टैंप लगाते थे, लेकिन पहले क्या आता था, एक पेपर लगाते थे। तो जो तो अमेरिका आए कभी उनको मालूम होगा, तो ये पेपर लगाते थे उस पे स्टैंप लगती थी, तो बीच में इन्होंने बंद कर दिया था वो। आई डोंट नो क्यों बंद किया, लेकिन काफी है ना, कई बार दिक्कत होती थी ढूंढने में कि स्टैंप लगी कहाँ पे है, ऐसे तो पेपर सीधा निकल जाता था। तो अभी उन्होंने फिर से वही पेपर लगा दिया है। तो वो ऐसा होता है, जो पेपर होता है, जब ये आपको लगता है कि अभी आप वापस नहीं आएंगे, जब 6 महीने आपके खत्म हो रहे हैं, तो उससे पहले ये यहाँ लुटाना होता है इनको, लुटाना नहीं लौटाना, लौटाना होता है, वापस यहाँ करना होता है। हाँ, वापस करना होता है। तो ये होता है, तो यहाँ से जब हम निकलते हैं बॉर्डर से, तो ये खाली होता है, ये इधर जो ये गांव है पोर्ट ग्रोन, तो ये ऐसे सड़कें खाली होती हैं यहाँ पे, काफी अच्छा होता है सुबह के दिन। लेकिन अगर जैसे अर्ली मॉर्निंग, नॉट सुबह, अर्ली मॉर्निंग, अगर सुबह के टाइम हम क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा यही यहाँ पे हमें, लेकिन अभी ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही खाली रास्ता जाना है हमने अभी सारी रात। तो ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा अराउंड 5, तो 5:30 मैं पहुंच रहा हूँ तेल डलवाने के लिए, जब पंप आ जाएगा वहां पे। तो पहले अभी हम रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है और पूजा भी ठीक नहीं थी अभी, तो अभी हम दोनों रोटी खाएंगे, कुछ हैं? खाएंगे। तो अभी हम दोनों रोटी खाएंगे। तो क्या खाने वाले हैं हम आज पूजा जी? राजमा। राजमा खाएंगे? हाँ, राजमा है। मैं तो मलाई कोफ्ता खाऊंगा। हाँ, वो सारे खा जाओ, आप मेरे लिए मत छोड़ना। तो
मैं इतने का दान दाए मैं डाकू एक नंबर दाग जड़ी चीज पसंद है वो खो लेना ठीक है ना ओके okay. तो मैं डाकू हूँ एक नंबर का जो चीज मुझे पसंद हो मैं छीन लेता हूँ जैसे मेरे कोफ्ते चलो खाली दे तो ये रेस्ट एरिया भी खाली पड़ा है पूरी तरह से तो काफी जगह मतलब मिल जाती है इधर अगर स्लीप भी डालनी है तो भी तभी भी जगह मिल जाती है यहाँ पे तो वो सामने है रेस्ट रूम सॉरी सामने बिल्डिंग है रेस्ट एरिया की तो अंदर रेस्ट रूम्स हैं बढ़िया से फाइव स्टार होटल को माते फाइव स्टार होटल को मात डालने वाला डालने वाले रेस्ट रूम्स हैं अंदर तो पूरी सफाई होती है अंदर लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं हम वहां कर आए थे जब भी उन्होंने रोका था खाली कर आए थे टैंक लाइट जगा लो इसीलिए फिर से भरने लगे हैं अभी चलो चलो ओ वाओ तो ये हमने लिया था पिछली बार टारगेट से जो हमने दिखाया ये टेडी बियर नहीं है बट आई विल ट्रीट इट लाइक अ टेडी बियर मैं बताती हूँ ये क्या है लेट मी शो यू क्या है ये इसको हम क्या करेंगे क्या करेंगे इसको हम ये करेंगे इसको हम यहाँ पर रखेंगे ठीक है फिर ऐसे बैठेंगे और फिर ऐसे बैठेंगे ओ ठीक है आर्मरेस्ट भी बनाई हुई है तो मैं बैठूंगा वहाँ पे नो मैं बैठूंगा No. चलो सब्जी निकालो रोटी खाएं ओके चलो तो एक बात तो बताना भूल गए हम जो I-94 की स्टैंप लगती है तो $6 पर पर्सन पड़ी है हमें तो टोटल $12 US डॉलर लगते हैं उसके तो $6 US पर पर्सन वो चार्ज करते हैं उसका तो हरेक 6 महीने के बाद ये भी एक खर्चा है जो जो हमें देना पड़ता है ऐसा है